मोदी कैबिनेट 3.0 में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। दूसरी बार सिंधिया को अब फिर से मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई है। गुना लोकसभा सीट से 5 लाख से ज्यादा वोटों से सिंधिया ने जीत दर्ज करी थी। मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद पूर्व सांसद केपी यादव ने सिंधिया को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं गुना शिवपुरी से भाजपा के लोकप्रिय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनंत बधाई। विकास, विकास और विकास के प्रति आपकी अटूट आस्था एवं विश्वास से हम सभी को नवीन ऊर्जा प्राप्त होगी। आपको बता दें कि 2019 में गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। तब सिंधिया कांग्रेस में थे, जिसके बाद 2024 में बीजेपी से सिंधिया ने गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर भारी मतों से जीत हासिल की। आपको बता दें कि सिंधिया दूसरी बार मोदी कैबिनेट में मंत्री बने हैं। इसके पहले वो नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में केंद्र में रह चुके हैं। अब दूसरी बार देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें कौन सा मंत्री पद दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।